हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठा आए हुए, क्यों आए, कोई बोल सकते हैं, कोई कह सकते हैं हमें क्यों आज जमा इकट्ठा आए? हम कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन्हें, बताओ जरा हमें, कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? आप बोलो मैडम, ईरानी नेता के वेरी गुड, स्वच्छ भारत अभियान, वेरी गुड, वेरी गुड। सोनी केसर वाली की बात क्या? तो हमारे दोनों बहनों ने सही बोला कि हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के लिए इकट्ठा हुए। हम लोग अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सुंदर देश बनाना चाहते हो, और इसके लिए हम लोग कुछ संदेश लेके आए, और इसके लिए हम लोग छोटी सी नाटिका आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस नाटिका का नाम क्या हो सकता है, पता है किसी को? आप लोगों से कोई बताएगा इसलिए कौन सी नाटिका है हमारी? हम लोग एक छोटी सी नाटिका पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। तो देखिए हमारी नाटिका, ये स्वच्छ भारत सुंदर छोटी सी नाटिका, आप देखिए हमें सहकार्य कीजिए। चलो भाई साहब देखते हैं हमारी छोटी सी नाटिका। कुछ लोग बस स्टॉप पर खड़े बस का इंतजार कर रहे हैं। बहन जी आगे बढ़ो, पीछे से धक्का आ रहा है। हाँ हाँ जरूर बहन जी, धीरे से गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति खुले में थूक देता है। अरे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो? बहन जी दिख नहीं रहा, थूक रहा हूँ। दिखता है भाई साहब, लेकिन इस तरह किसी भी जगह थूकनी अच्छी बात नहीं है, बहन जी बीमारियाँ फैलती है। लेकिन बहन जी सभी लोग तो ऐसे ही थूकते हैं। लेकिन भाई साहब हम अपनी तरफ से ही भारत को स्वच्छ रखने का प्रण करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर बसा होता है। ठीक है बहन जी, आगे से ऐसे नहीं थूकेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। बहन जी अपने देश में इस तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए अपना देश आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ हाँ बिल्कुल सच कहा, लेकिन हम लोग इस स्वच्छता के लिए कुछ करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय देना होगा। सोच बदलो देश बदलो, सोच बदलो देश बदलो। थोड़ी देर बाद एक महिला कुरकुरे खाकर उसका रैपर ऐसे ही फेंक देती है। अरे बहन जी ये क्या कर रही हो? कुरकुरे खाकर पेपर रैप नीचे ही डाल रही हो, उसको अपनी देश की स्वच्छता के बारे में सोचो। देश को साफ रखने का टीका क्या मैंने ले रखा है, दूसरा कोई मिला नहीं? ओ बहन जी ये मैडम सही बोल रही है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मैडम आप होती कौन है बीच में बोलने वाली? जाने दो, ये लोग नहीं सुनते बात। लेकिन मैडम अगर हम सब सोच बदलेंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा। अरे बहन जी आप ये क्या कर
इतना टाइम आपके पास हो तो कर लो देश की गंदगी साफ, मुझे क्या दूसरे को सिखाने मत लगो, खुद ही कर लो। देखा बहन जी, खुद गलत काम करती है और दूसरे को सिखाती है। इसी वक्त एक महिला आती है, दो कचरा कुंडी गिल्ला और सूखा रखने के बावजूद एक ही कचरा कुंडी में गिल्ला और सूखा कचरा डाल देती है। अरे बहन जी, आप ये क्या कर रही है? कूड़ेदान पर साफ लिखा है सूखा कचरा गीला कचरा, आप दोनों एक साथ क्यों डाल रही हैं? ओ बहन जी, ये हमारा काम नहीं है, ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साफ सफाई कर्मचारियों का काम है। खाली होकर मुझे काम पे मत लगाओ, मुझे और भी बहुत से काम पड़े हैं। अरे बहन जी, यहाँ पे काम सभी को है, पर इसमें देश का नुकसान क्यों हो? कचरे में कैसे देश का नुकसान? अरे बहन जी, सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने से ही देश में स्वच्छता रहेगी और देश की उन्नति होगी। वो कैसे? बहन जी, गीले कचरे से खाद बनती है, खाद हम बगीचे में लगे पेड़ पौधों में डालते हैं, खलियानों में डालते हैं, इससे उसकी पैदावार बढ़ती है। सूखे कचरे को रिसाइकलिंग करके उससे तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती है। ओ बहन जी, आप इतना बड़ा भाषण दे रही है, तो जरा मुझे ये बताइए कि ये गीला और सूखा कचरा होता क्या है? अरे बहन जी, गीले कचरे में बची हुई सब्जियाँ, फलों के छिलके, खराब सब्जियाँ, ये सब आते हैं, और सूखे कचरे में प्लास्टिक, कागज, पेपर, ये सब आते हैं। ठीक है, ये होता है फर्क गीले और सूखे कचरे में। हाँ बहन जी, अगर इस तरह से कचरे को अलग अलग करने का काम हर घर से हो तो देश में साफ सफाई भी रहेगी और देश की उन्नति भी होगी। गीला सूखा कचरा अलग करो, देश की स्वच्छता और विकास जारी रखो। गीला सूखा कचरा अलग करो, देश की स्वच्छता और विकास जारी रखो। गीला सूखा कचरा साफ करो, अलग करो, देश की गंदगी साफ करो। गीला सूखा कचरा अलग करो, देश की गंदगी साफ करो। इंडिया तेरा स्वच्छता पे भरोसा नहीं क्या? इंडिया तेरा स्वच्छता पे भरोसा नहीं क्या? यहाँ के लोग कैसे गंदे? यहाँ के लोग कैसे गंदे? आंख का सुखते बंदे। रास्ते के स्वच्छता की झोल झोल। इंडिया तू स्वच्छता की बोल सुन। इंडिया तेरा स्वच्छता पे भरोसा नहीं क्या? इंडिया तेरा स्वच्छता पे भरोसा नहीं क्या? रास्ते के कचरे के ढेर दे, रास्ते पे कचरे के ढेर दे, कितने है ट्रैफिक में हेर फेर, कितने है ट्रैफिक में हेर फेर, शहरों का विकास हुआ फेल फेल, शहरों का विकास हुआ फेल फेल। इंडिया तू स्वच्छता की बोल खोल, खांद्यावर कुणाचं ओझं अगदी तसं झालंय बघा। मी नेहमी लवकर वेळेवर येतो आणि हा मात्र उशीर करतो, जाऊ द्या।
असत है। दामरा मी तुला कसा आहे? कुठून आलात? मी तुला विचारतोय आणि अशा आपल्या बोलण्याने कुणाला काही कळणार आहे आणि कळलं तरी समजणार आहे? जाऊ दे। बरं का मंडळी, हे आमचं रोजच आहे, पण आम्ही इथे कशासाठी आलो? काहीतरी माहिती देणार आहोत। ही माहिती आपण कुणाच्या माध्यमातून देणार आहोत? ही माहिती आपण साधना एज्युकेशन संस्थेच्या प्रायमरी विभागांच्या शिक्षकांमार्फत देणार आहोत। तर बरं का मंडळी, आम्ही स्वच्छ भारत अभियानासाठी देशाला साफ स्वच्छ ठेवण्यासाठी एक संदेश घेऊन आलो आहोत। तर यासाठी आम्ही छोटस पत्रनाट्य सादर करतोय, त्याचं नाव आहे स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। हे काय आहे? पाहिलं असेल तुम्हाला, याच्यात काय संदेश मिळाला? बरं, कोण सांगेल का आम्हाला काय संदेश मिळाला तुम्हाला? कोण सांगेल? हा मॅडम बोला। व्हेरी गुड मॅडम, आपलं नाव पूर्वासाठी सर्वांनी मॅडम कुठेया अजून काही संदेश आहे का तुमच्याकडे याच्यासाठी? अजून काही संदेश देतो सलोनी ओके कचरा अलग प्लास्टिक ओके व्हेरी गुड प्लास्टिक यूज नाही करणार आहे। मॅडम आज नाम काय आहे? मॅडम अंकिता गेले ताली बोलायला। तर मंडळी, आमचं पटेलचं तुम्हाला आवडलं असणार तर आपण आजपासून सर्वांनी प्रण करायचं आहे की आपला देश स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करायचा आहे। प्लॅस्टिकचा वापर करायचा नाही, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करायचा, असे बरेचसे संदेश आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवले। तर तुम्ही आमच्यात सहभागी होणार, आजपासून प्लॅस्टिक पिशवी वापरणार आणि आपला देश कसा ठेवणार? व्हेरी गुड। म्हणजे आपण तर मंडळी, आता आम्ही एक छोटंसं गीत गात आहोत, तुम्ही या गीत
एकता मध्ये सामील होऊन आमच्या गाण्याचा आनंद द्विगुणित करा अशी आमची अपेक्षा राहील. चला देशात स्वच्छतेची सारी शहरामध्ये आली, हातात गाणी घेऊन या स्वच्छताही झाली. चला शहरात जाऊया, चला शहरात जाऊया, हातात झाडू घेऊन या कचरा काढूया. आली भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम.